तो इस क्वेश्चन में हमने क्या बोला, इसमें बोला ऑल सर्फेसेस शो इन द फिगर फ्रिक्शनलेस, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg केप्ट ऑन अ वेज ऑफ मास 10 kg, यानी 2 kg 10 kg के ऊपर रखा है, इफ द मास m, इसको मैं m बोल रहा हूँ, ये m लिखा है, ये कैपिटल m है, m रिमेन स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू वेज, तो ये m मास इसके ऊपर स्टेशनरी, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ p, p फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो हमने ऊपर तक नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है सम ऑफ मासेस इनटू एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन जो थी a, तो हम लोग को p की वैल्यू मिल गई 10 + 2 = 12 है, यानी a की वैल्यू आ गई p/12, तो a की वैल्यू हमारे पास p/12 आ चुकी है, तो हमने उसके स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट लगाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू वेज, विथ रिस्पेक्ट टू वेज, वेज पे यहाँ फोर्स लगेगा, यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास किसका, वेज का, क्यों, क्योंकि वेज पर लग रहा है, तो वेज का मास हो गया 10 इंटू एक्सेलरेशन कितना था p/12, इस पर लगेगा 2 × p/12 सिमिलरली, तो अगर मैं बड़े डायग्राम में इसको आपको दिखाऊं, तो ये नीचे अगर इस पर फोर्स नॉर्मल लगता जो है एम जी के कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक कर रहा हूँ बेसिकली, ये एंगल बीटा इक्वल टू 37 degrees है, तो ये हो जाएगा 2g sin 37 degrees होता है, ये वाला मतलब एम जी कॉस, एम जी साइन वाला होता है कॉम्पोनेंट, यहाँ पे एम जी कॉस होता है, तो 2g cos 37 degrees, और ये जो स्यूडो फोर्स है वो एक्चुअली में था तो ऐसे कितना था p/6 लिख सकते हैं इसको, और ये लाइन अगर मैं यहाँ पे बना दूँ तो इस लाइन के अलॉन्ग जो एक फोर्स होगा, कौन सा फोर्स होगा, इसका कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट जो यहाँ पे ये, अच्छा ध्यान से देखिए, ये एंगल भी 37 डिग्री ज्योमेट्री के हिसाब से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये लाइन इज पैरेलल टू ये लाइन, तो फिर इसका कंपोनेंट हो जाएगा p/6 cos 37 degrees, और यहाँ पे कंपोनेंट आएगा ये हो जाएगा p/6 sin 37 degrees, और एक आपकी जानकारी के लिए नॉर्मल यहाँ पे ऊपर लगेगा, इसका कोई काम है नहीं खैर क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी बता दिया, तो हम लोग को बैलेंस करना है फोर्सेस को, तो ये और ये तो हमेशा बैलेंस करेंगे, नॉर्मल अपवर्ड मूवमेंट हो नहीं रहा है, नीचे यहाँ यहाँ पे हम लोग को मूवमेंट का डाउट है, तो यहाँ पे हम लोग का ये और ये, इसको हम लोग को बैलेंस करना है, तो इन दोनों को बैलेंस करके अगर मैं यहाँ पे लिखूं, तो इन दोनों को अच्छे से मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे बैलेंस करके अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अच्छा कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा p/6 कॉस्ट एडिशन की वैल्यू होती है 4/5 = ये 2 × g की वैल्यू, यहाँ पे 10 दी हुई है हम लोग को, इंटू साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, यहाँ से हम लोग कटता हुआ दिख रहा है, यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ 5 से 5 कटा 4 3 4 6 3 2 2 से 10 से 5 कटा, तो यहाँ से p के एलिमेंट सीधा लिख रहा हूँ, p की वैल्यू होती है 2 × 5 2 × 5 = 10 × 3 30 × 3, या 3 यहाँ पे है 30 × 3 = 90 newton, p की वैल्यू आ गई 90 newton, विच इज़ आर ऑप्शन बी।